दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पंजाब पोस्टल सर्कल के बारे में। तो पंजाब में आपकी जो पोस्ट विभाग है वहाँ पे भर्तियाँ आई हुई हैं, 57 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। आज ही 10 तारीख को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसको आवेदन करने की लास्ट डेट 18 अगस्त रखी गई है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों के लिए बता देते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में। पंजाब का ये पोस्टल सर्कल का रिक्रूटमेंट है, यानी कि आपका डाक विभाग का, आपका पंजाब का रिक्रूटमेंट है। डाक विभाग की भर्तियां हैं आपकी पंजाब की। अब यहाँ पे जो आपकी जो वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों, यहाँ पे PA SA और MTS के लिए आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप लोग पंजाब के लिए केवल आवेदन कर सकते हो, पंजाब की वैकेंसीज हैं, पंजाब के पोस्टल विभाग में, डाक विभाग में। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, 10वीं और 12वीं मांगा गया है, ठीक है। 10वीं और 12वीं वाले केवल यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आवेदन करने का तरीका है वो ऑफलाइन है, ऑफलाइन माध्यम से आपको उसे करना है आवेदन। देखिए, आप लोग देख सकते हैं पंजाब का ये नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट रिलीज़ हो चुका है, और यहाँ पे आप लोगों के लिए PA SA और MTS की भर्तियाँ हैं, ठीक है, पोस्टल पंजाब पोस्टल सर्कल की। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं इसे। मैंने इंपॉर्टेंट लिंक सारे दे रखे हैं इस वीडियो में। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये जो वैकेंसीज हैं, स्पोर्ट कोटा आपका ज़रूर होना चाहिए। स्पोर्ट कोटा जो है उसके लिए वैकेंसीज हैं, तो आप लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बता दूँ, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ, जिस भी आप MTS के लिए करें या PA के लिए या SA के लिए करें, आपको अंडर स्पोर्ट क्वार्टर कोटा मिलेगा। यहाँ पर स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत अगर आप लोग आते हैं तो तभी आप आवेदन कर सकते हो। तो ये स्पोर्ट्स वालों के लिए बेसिकली वैकेंसीज हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसको सबमिट करना होगा, यानी कि एनवेलप में एक लिफाफे में आपको उसे भेजना पड़ेगा इस एड्रेस पर, असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टल सर्विस रिक्रूटमेंट, ऑफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल, पंजाब सर्कल, सेक्टर 17, संदेश भवन, चंडीगढ़, 160017 इसका पिन कोड है, ठीक है दोस्तों। इसे 18 अगस्त तक आप लोगों को भेज देना है। केवल इसे स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से आपको भेजना है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका रिटर्न एग्ज़ाम या एग्ज़ाम नहीं रखा गया है, ठीक है, इंटरव्यू टाइप का कुछ नहीं रखा गया। आपका जो एजुकेशन मार्क्स होंगे और आपके स्पोर्ट कोटा के बल पे आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगी। 18 अगस्त इसकी सबमिशन करने की एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपया है, ठीक है, जिसको आपको चालान के माध्यम से करना पड़ेगा। यहाँ पे पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसीज डिटेल मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करूँ, 45 केवल यहाँ वैकेंसीज़ हैं पोस्टल असिस्टेंट की, यानी PA की, जिसमें कि आपका 12वीं मांगा गया है। साथ में आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 साल से लेकर 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 25,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। शॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है SA के लिए, आपका 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपके कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 9 यहाँ पे वैकेंसी है, 18 साल से लेकर 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं। 25,000 से लेकर 80,000 रुपये सैलरी रहेगी। MTS की बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें, केवल 3 वैकेंसीज हैं आपकी। 10th मांगी गई है, यहाँ पे केवल 10th मांगी गई है। MTS के लिए अप्लाई करते हैं, 18 साल से लेकर 25 साल तक एज लिमिट यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। और 18,000 से लेकर आपकी 60,000 के बीच में आपकी सैलरी दोस्तों बनेगी। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, PA SA और MTS का रिक्रूटमेंट यहाँ पे आ चुका है आपका पंजाब का, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग डिवीज़न के लिए, अमृतसर के लिए देख सकते हैं, जैसे पोस्टल असिस्टेंट की 6 हैं, MTS की 1 है। तो ये पूरा आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि किस डिवीज़न के लिए कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा। तो लुधियाना में 4 है आपकी PA की, तो आप लोग पूरा स्टेबल में देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट लिंक दोस्तों मैंने सारे इसमें दे दिए हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आकर देख लेना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का जो है आपको एक ही में मिलेगा। जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये आपका पंजाब का नोटिफिकेशन, आपका पोस्टल असिस्टेंट का। देखिए आप हम देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डाक विभाग। तो यहाँ पे आपका, देखिए आप लोग देख सकते हैं, कोई फेक वैकेंसीज़ नहीं है दोस्तों, जेन्युइन वैकेंसीज़ है ना। और यहाँ पे मेरे चैनल में आपको कभी भी कोई वैकेंसी फेक नहीं मिलेगी, बहुत जेन्युइन वैकेंसीज़ देता हूँ मैं। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो जो लिस्ट ऑफ स्पोर्ट कोटा होना चाहिए, जिसके लिए आप लोग अगर इस ये स्पोर्ट कोटा है आपके पास इन इन स्पोर्ट्स में से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट है दोस्तों, करीब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 64 यहाँ पे टोटल गेम्स हैं, जिसमें कि आपने किसी में से आपने एक पास पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये पूरा इसका नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए मेटल ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में सीधे बताया है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और शॉर्ट जो स्पोर्ट क्वालिफिकेशन होगा उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर
सिलेक्शन होगा। तो कोई भी इंटरव्यू नहीं है, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा इसको नोटिफिकेशन को। और यहाँ पे आपका मैं बता देता, पेमेंट ऑफ फीस 100 रुपीज़ है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। स्पीड पोस्ट द्वारा आपको भेजना है, ये मैं आपको पहले ही आपको बता चुका हूँ, है ना। इस पते पे भेजना, असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टल सर्विस। ये मैंने पूरा रिक्रूटमेंट अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे एंड में आप लोग देखोगे इसका, यहाँ पर आपका जो है पूरा इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। देखिए आपको यहाँ पे भी दे रखा है एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस पोस्टल असिस्टेंट स्टार्टिंग। मान लीजिए मैं एमटीएस के लिए अप्लाई करता हूँ, एमटीएस में टिक कर दूँगा, ठीक है, अंडर स्पोर्ट कोटा 2020 पंजाब पोस्टल सर्कल के। यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ लगाऊंगा, यहाँ पे अपना नाम ब्लॉक लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में नवीन, इस तरीके से आपको भी इस तरीके से देना है। आधार नंबर डालना अपना, पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम जो लड़के शादीशुदा हैं, पोस्टल एड्रेस या ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, कम्युनिटी जो भी हैं, ओबीसी एससी पीडब्ल्यूडी, डेट ऑफ बर्थ अपना, जो जन्म दिवस है आपका, और यहाँ पे नेशनलिटी, वेदर एज रिलैक्सेशन है चाहिए या नहीं चाहिए वो आप लिखेंगे, जेंडर मेल या फीमेल, ठीक है। ईमेल आईडी आपको लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली आपको सब यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप पेमेंट करोगे ना, एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करोगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे 100 रुपीज़ मैंने दिया है, रिसिप्ट नंबर होगी वो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट आपको, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको करना है। मैट्रिकुलेशन आपका 10+2 बैचलर डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या क्या इसके अंदर जो है आप लोग स्पोर्ट क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, इस तरीके से इवेंट में किस पार्टिसिपेट किया है, तो उसे आप लोग आसानी से भर सकते हैं। देखिए ये आपका जो है दोस्तों, ये आपका पूरा, अब इसके नीचे आपको मिलेगा इसका चालान। देखिए चालान आप लोग देख सकते हैं, ई पेमेंट का पूरा ये चालान है, ठीक है, इसी नोटिफिकेशन में। तो इसे आप लोगों को भर के भेजना है। इसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपने पोस्टल सर्विस, ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस अलॉन्ग विद द स्टेट नेम, जिस भी पोस्ट ऑफिस और स्टेट नेम से आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। आवेदन इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। एक कॉपी अपनी बैंक आपका रख लेगा, एक डिपार्टमेंट रख लेगा जिसको आप भेजेंगे, एक को आप अपने पास आपको खुद रखना होगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहे हमारे चैनल को, धन्यवाद।